आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इस पर बात करेंगे। यह वीडियो UGC नेट में आए क्वेश्चन के आधार पर है। उसके अलावा चाहे UGC नेट का हो, PGT का हो, सेलेट का हो, CTET करना चाहते हैं, स्टेट का टेट करना देना चाहते हैं, यानी टीचिंग के लिए ये जो कुछ शिक्षाविद है, सब में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि यह पिछले 2023 में UGC नेट में भी पूछा गया था, और अभी UGC नेट का एग्जाम कई पारियों में होता, तो अभी पहले कुछ सीमित चीजें थी जब हमने पास किया UGC नेट, तो अभी कुछ कई पेपर एक साथ होते हैं, कई दिनों तक चलते हैं, तो इसका दायरा भी बढ़ गया। लेकिन बस क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, क्वेश्चन को आपको समझना होता है कि क्या होता है। तो यहां पर हम बात करेंगे कोहलबर्ग के जो नैतिकता के सिद्धांत है वो क्या है। कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत एक सिद्धांती है जो इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे नैतिक और नैतिक तर्क कैसे विकसित करते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर जो नैतिक है, नैतिकता है, और नैतिकता तर्क कैसे विकसित करते हैं। तो यहां पर सबसे समझने की बात यह, कई बार यह ऐसा भी पूछा गया है कि किसका सिद्धांत बच्चों को नैतिकता और नैतिकता का तर्क सिखाता है, तो वो कौन है? कोहलबर्ग का सिद्धांत। कोहलबर्ग का सिद्धांत यह बताता है कि नैतिकता तीन स्तर से होके और अप्रत्येक स्तर के, इसके दो चरण है, यानी कि इन्होंने जो बताया है अपने सिद्धांत को, इसमें जो है टोटल इन्होंने कहा कि इसके जो तीन चरण है और या तीन तीन स्तर है और प्रत्येक स्तर के दो चरण है। तो इसी पे हम आगे चलते हैं। कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत जो है, जो विकास का, नैतिक विकास का जो पहला चरण है, उसमें कोहलबर्ग ने सिद्धांत को तीन प्राथमिक स्तरों में विभाजित किया है नैतिक, और मैंने इसमें बता दिया प्रत्येक चरण में जो है स्तर में दो चरण है। चरण नंबर 1, आज्ञाकारिता और विश्वास में जो है स्तर पर बच्चे का जो नियम और निश्चित और निष्पक्ष के रूप में देखते हैं, नियमों का पालन करना, कि बच्चा इसमें नियमों का पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सजा से बचने के एक तरीका है। इसमें बच्चे दूसरों के विचारों की उपेक्षा करने के बजाय, यानी कि विचार जो होते हैं उनकी उपेक्षा करने के बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणाम के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये जो है पहला स्तर का प्रथम चरण है। दूसरा चरण है वाद्य उद्देश्य अभिविन्यास, यानी कि इसका मतलब है नैतिक विकास के व्यक्तिवाद, यानी कि व्यक्तिवाद और विनिमय चरण में बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोण दिखाते हैं, यानी कि व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को दिखाते हैं और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के आधार पर कार्यों का निर्णय करते हैं, यानी कि जो उनको व्यक्तिगत दृष्टिकोण है अपना दिखाते हैं, यानी कि अपने को महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश करता है और उनकी जो व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के आधार पर जो है कार्यों का निर्माण करते हैं। दूसरा स्तर जो है उसमें बताया गया पारस्परिक नैतिकता। पारस्परिक नैतिकता कब आती है? तो यह जो है 10 से 13 वर्ष की आयु में आती है। नैतिकता विकास की जो है अगली अवधि सामाजिक नियमों की स्वीकृति से चिन्हित होती है। यहाँ पर जो बच्चा 10 से 13 साल की उम्र में सामाजिक जो नियम होते हैं या समाज में जैसे चलते हैं, समाज के जो चाहता है, समाज संबंध कैसे बनता है, समाज में रिस्पेक्ट कैसे होता है, स्वीकृति को इसमें चिन्हित करता है कि क्या अच्छा है और क्या नैतिक है। इस समय के दौरान किशोर और वयस्क अपने आदर्शों और समाज में सीखे गए नैतिक मान्यों को आत्मसार करते हैं, यानी कि जो भी समाज से वो सीख रहे हैं, समाज में दूसरे बड़े आदमी कैसे बात करते हैं, समाज में एक दूसरे से कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, समाज में कैसे रहते हैं, ये सब जो आप सामने की सीखते हैं, ये जो दूसरा स्तर बताया गया है। इसका दूसरा स्तर का चरण नंबर, चरण तीसरा, यानी कि चरण तो पहला है, दूसरे का पहला, यानी चरण को इनको भी अलग अलग बांट दिया गया है। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिन्यास, यानी कि नैतिक विकास में पारस्परिक संबंधों का यह चरण सामाजिक उपेक्षाओं और भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित है। अच्छा होने की अनुरूपता पर जोर दिया जाता है और इस बात पर विचार किया जाता है कि विकल्प संबंधों को कैसे प्रभावित करें। जैसे मैंने आपको बताया स्तर नंबर 2 जो था उसमें, जैसे स्तर नंबर 2 के पारस्परिक नैतिकता आती है इसमें, यानी कि वह समाज के नियमों को
अपने अंदर आत्मघात करता जो समाज में जैसे चल रहे हैं अपने को अच्छा, तो उसी के में जो है जब इसका चरण है तीसरा, उसमें क्या करता एक अच्छा लड़का कौन है, अच्छी लड़की कौन है, अच्छा लड़का बनना चाहता है, अच्छी लड़की देख के अच्छे लड़के की उदाहरण, यानी कि समाज से जो भी वो रिसीव करता है या किसी के बारे में बातें होती हैं तो वो उनकी जो भूमिकाएं जो वो करते हैं उन्हीं को अपने अंदर उतारने पर केंद्रित करता है, अच्छा होने की अनुरूपता पर जोर देता कि मैं भी इस तरह का अच्छा हूं। तो उसी इसी को जो है कोलबर्ग का नैतिकता का विकास, इसमें क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जा सकता है कि किसके सिद्धांत के आधार पर बच्चा समाज से जो नैतिकता सीखता है या समाज को देख के अच्छा लड़के को अच्छी लड़की को देख के अच्छा बनने का बनना अनुरूपता को अपने अंदर ढालना चाहता तो किसका, तो वहां पर भी आप ये कर सकते हैं कोलबर्ग का सिद्धांत है। चरण नंबर 4 सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि जो स्तर नंबर 2 था उसका चरण नंबर 4 है। यह चरण यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित करता है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, यानी कि अब बच्चे को यह समझ हो जाती है कि सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए हमको ये करना है या समाज में जो उसने देख रहा है कि सामाजिक व्यवस्था को लोगों ने कैसे बनाया है तो अब उसको सुनिश्चित करना कर देता है। सामाजिक व्यवस्था बनी रहे नियमों का पालन करके, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपने अधिकार का सम्मान करके कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित किया जाता है। यानी कि इस जो चरण में बच्चा अब क्या करता है कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह चाहता है कि समाज में व्यवस्था बनी रहे या समाज में कोई गलत करता तो अब उसको टोकना भी शुरू कर देता है वो, और समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए वह क्या करता है नियमों का पालन करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है जो उसके कर्तव्य होते हैं और अधिकार का सम्मान करके कानून व्यवस्था बनाए रखने में के लिए प्रेरित होता है। अब जाता है स्तर नंबर 3 उत्तर परंपरागत नैतिकता, यानी कि ये लास्ट है उत्तर परंपरागत नैतिकता। नैतिकता विकास के इस स्तर पर लोग नैतिकता के अमूर्त सिद्धांत की समझ विकसित करते हैं। इस स्तर के भी 2 चरण है, यानी कि इसमें क्या करते हैं समझ विकसित करते हैं। अब पहले तो समझ विकसित करने के लिए या अंडरस्टैंडिंग विकसित करने के लिए थोड़ा सा आदमी को मैच्योर होना तो पड़ेगा ही, मैच्योर नहीं होगा तो कैसे कर पाएगा। तो इसमें पहला चरण है यानी कि 5वां चरण टोटल सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। इस स्तर पर लोगों का मानना है कि समाज को बनाए रखने के लिए कानून के नियम महत्वपूर्ण है लेकिन समाज के सदस्यों को इन मानकों पर सहमत होना चाहिए। यानी कि आप समझ गया जैसे मैंने इससे पहले चरणों में बताया था कि बच्चा क्या करता है कानून व्यवस्था बनाने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, नियमों का पालन करता है, लेकिन होता क्या है भाई समाज भी तो बदल रहा, कुछ समाज में कानून भी तो बन रहे हैं, कुछ बनाने पड़ेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग लेके कुछ चीजें नहीं है, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, जैसे कि सोसाइटी में रह रहे हो तो वहां पर होता है कुछ ऐसी चीजें हो रही है कि जो सोसाइटी में प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर कुछ नियम बनाए जाते हैं। अब नियमों को जब बनाया जा रहा है तो ये देख के बनाया जाए कि समाज को बनाए रखने के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं वह सभी के उस पर सभी सहमत हैं या सभी लोग उस चीज से एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये उस लेवल पर आ जाता है कि हम समझ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आए, इस चीज को समझे कि जो नियम बना रहे हैं अभी तक जो बने हुए थे उन पर पालन तो कर रहे थे लेकिन अभी अगर बन रहे हैं तो क्या वह है या हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी होगी समझ नहीं होगी कि हम कुछ गड़बड़ है सोसाइटी में समाज में तो क्या उन पर नियम बना सकते हैं, लेकिन नियम बना रहे हैं तो क्या वो सभी को स्वीकार है, तो इन मानों को सहमत होना चाहिए। यही इसका 4th चरण है। नेक्स्ट चरण है 6th जो है सार्वभौमिक सिद्धांत। सार्वभौमिक सिद्धांत तो आप समझते ही होंगे, सार्वभौमिक तो सर्वमान्य हो, सब जगह जिसको कबूल हो, सब एक जैसा हो। सार्वभौमिक सिद्धांत कोलबर्ग का नैतिक तर्क का अंतिम स्तर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और अमूर्त तर्क पर आधारित है। इस स्तर पर लोग निर्णय के आंतरिक सिद्धांत का पालन करते हैं भले ही वे कानून नियम का विरोध करते हो। यानी कि ये चीज, यह कहने का मतलब यहां पर यह है कोलबर्ग का कि कुछ नियम किसी सोसाइटी या समाज ने बना दिए, वो विरोध तो कर रहे हैं, विरोध उनका ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन जो निर्णय है लोगों का आंतरिक सिद्धांत का पा, यानी कि उसके जो चीजें हो गई या लागू हो गया विरोध करने के बाद, तो उनका जो है जिस प्रकार मान लिया किसी सोसाइटी में कोई नियम लागू कर दिया कि आप जो है यहाँ मेंटेनेंस चार्ज जो है 500 रुपए तभी 700 दिया जाएगा, कुछ लोगों ने विरोध किया लेकिन उसको 500 से 700 पेड कर रहे हैं,
इसी यही सिद्धांत यानी कि पालन तो करते हैं, ये सार्वभौमिक है, उसको करना ही पड़ेगा। विरोध करने से ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा, तो वो सोसाइटी के नियम से अलग हो जाए। तो मैंने ये सोसाइटी को ज्यादा प्रभावित किया है, यानी कि तो यही नियम जो है का विरोध करते हुए भी उनका पालन करना भी यही आपको उनका जो है चरण सिक्स है, यानी सार्वभौमिक सिद्धांत है, जो सार्वभौमिक सिद्धांत यही कहता है जो सब जगह लागू, भले ही वो विरोधी हो लेकिन लागू होगा। सार्वभौमिक सभी जगह एक जैसा होता है, सब पे एक जैसा नियम लागू करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।